अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज फाइका सन। आई होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपने हाथों के जो नकल्स होते हैं इनको कर सकते हैं लाइट इनअप विद इन अ 7 डेज। 7 डेज का एक चैलेंज है जो कि मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको ज़रूर 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 ट्राई करिएगा कि आपके हाथों में अगर सनटैन है या आपके नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं, या कुछ लोगों का ये वाला एरिया बहुत डार्क होता है, इवन अगर आपके पैरों के नकल्स भी डार्क हैं, तो आप ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करिएगा। विद इन अ 7 डेज आपको रिजल्ट नज़र आएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए इस रेमेडी को ट्राई करने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए बेकिंग सोडा, जिससे हम करेंगे अपने हाथों को या अपने नकल्स को स्क्रब। ठीक है, आप ओवरऑल ही अपने हाथों पे स्क्रब करेंगे, एक्सफोलिएट करेंगे, ताकि आपके हाथों की जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए, और साथ में अगर आपके हाथों पे सन टैन है तो वो भी रिमूव हो जाए, और आपके जो नकल्स हैं वो भी लाइटन अप हो जाए। ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है बेकिंग सोडा, जिसके अंदर मैं ये हाफ लेमन जो है स्क्वीज करूँगी, और इसके साथ फिर मैं करूँगी अपने नकल्स को एक्सफोलिएट। देखिए, बेकिंग सोडा आपने देखा होगा मैं नॉर्मली अपनी वीडियोस में यूज़ करती हूँ। मैंने अपनी पेडिक्योर की भी एक वीडियो बताई है, और हाथों को आप कैसे ब्राइटन अप कर सकते हैं वो भी मैंने उस पर वीडियो बनाई है। पेडिक्योर की 2 वीडियोज़ बनाई है, सब में मैं बेकिंग सोडा इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें होती है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़, जो आपके जो डार्क एरियाज हैं उनको लाइटन अप करते हैं। मैं इस तरह से इसको मिक्स कर दूंगी दोनों चीज़ों को। जैसे ही मैंने इसके अंदर लेमन ऐड किया तो उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। ये देखें, इस तरह से इसमें मैंने लेमन ऐड किया तो इस तरह से इसमें बबल्स बनने लगे। अब मैं क्या करूँगी, इसको डायरेक्ट निकाल के स्क्रब नहीं करूँगी, एक्सफोलिएट नहीं करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैंने इस तरह से एक आलू का, पोटैटो का मैंने स्लाइस लिया है। ठीक है, ये मैंने एक आलू का स्लाइस लिया है, आप बड़ा आलू कोई भी ले लें। आलू मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि आलू में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको इस पर लेके जो मैंने बनाया है मिक्सचर बेकिंग सोडा का, इससे मैं अपने हाथों पर करूँगी स्क्रब। ख़ास तौर से जो आपके डार्क एरियाज़ हैं उनको आपको करना है, टारगेट रखना है, और उसको आपने ज़्यादा करना है एक्सफोलिएट। आपके नकल्स के साथ साथ आपका ये वाला एरिया भी डार्क होता है, तो आपने इस एरिया को भी नहीं भूलना, पूरे हाथ को कवर करना है। इस तरह से आपने जो है आलू के स्लाइस के ऊपर एक स्लाइस आप एक हाथ पे यूज़ करें, एक स्लाइस आप एक हाथ पे यूज़ करें। यही वाला स्लाइस इस हाथ पे यूज़ नहीं करेगा, इसको आप वेस्ट कर दिएगा। ठीक है, इस तरह से आपने कम से कम 3 मिनट तक एक हाथ, और 3 मिनट तक एक हाथ आपने एक्सफोलिएट करना है। अच्छा जी, इस तरह से मैंने अपने एक हाथ को एक्सफोलिएट कर लिया है, और अब मैं इस हाथ को, मैं आपको एक ही हाथ करके दिखाऊंगी इस वीडियो के अंदर, अब मैं इस हाथ को कर दूंगी वॉश, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने दूसरा क्या स्टेप करना है। 2 ही स्टेप हैं जो आपने फॉलो करने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके जो नकल्स हैं या ओवरऑल आपका हैंड जो है वो ब्राइटन अप हो जाए, तो आपने दोनों स्टेप्स को फॉलो करना है। किस टाइम फॉलो करना है और कितना टाइम, मैं सब बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। अभी मैं इसको करती हूँ वॉश। अच्छा जी, मैंने इस तरह से अपने हाथ को वॉश कर लिया, और ये भी आपको थोड़ा सा रेडिश लग रहा होगा, और ये विद इन अ 10 to 20 मिनट्स आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब हम करेंगे दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है एक ग्लिसरीन, कोई भी ब्रांड की, किसी भी कंपनी की आप ग्लिसरीन ले लें। उसके अलावा हमें दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है एलोवेरा जेल। मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो वो यूज़ कर लें, मेरे पास अभी नहीं था अवेलेबल तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और मैं मोस्टली अपनी वीडियोज़ में पेडिक्योर वगैरह में यही यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो यूज़ करें। थर्ड इंग्रेडिएंट हमें चाहिए ऑलमंड ऑयल। मैं अगेन अपनी बहुत सी वीडियोस में ऑलमंड ऑयल को बहुत यूज़ करती हूँ, ये ऑलमोस्ट ख़त्म है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा हुआ है, और इसके बहुत सारे यूजेज हैं। अगर आपको नहीं पता, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखें, जो मेरी DIY रेमेडीज़ वाली वीडियोज़ हैं, मैं इनको बहुत यूज़ करती हूँ और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। अब हमें करना ये है, मैं लूँगी 1 टीस्पून, और इस 1 टीस्पून को भर के
मैं ग्लिसरीन लूँगी और इसके अंदर ऐड कर दूँगी। मैंने फुल भर के 1 टीस्पून ग्लिसरीन ली है। अब 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी 1 टीस्पून ही भर के लेंगे, लाइक दिस। और मैं कुछ मतलब 6 to 7 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करूँगी ऑलमंड ऑयल के। अब आपने करना ये है कि अच्छे से इसको करना है मिक्स, ठीक है। और इस मिक्सचर को आपने ऐड करना है, ये एक जेल टाइप बन जाएगा, इसको आपने अप्लाई करना है अपने नकल्स के ऊपर और ओवरऑल अपने हाथों पे। आप चाहें तो इसको पैरों पे भी यूज़ कर सकती हैं, अगर आपके पैरों के नकल्स या पैरों पैर आपके जो फीट हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं। इस तरह से ये थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी, ये जो बच गया है इसको मैं अपने फीट के ऊपर यूज़ कर लूँगी। आपने अच्छे से इसको मसाज करना है जब तक ये आपकी स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व ना हो जाए। अच्छा, ग्लिसरीन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो इसलिए उसको ऑब्जर्व होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपके जो एक्सेस हाथों के ऊपर ये जेल है बचा हुआ आपके हाथों पे है, उसको आप अपने हाथों के ऊपर या फिर अपने पैरों के ऊपर अप्लाई कर लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये किस तरह से रेमेडी को करना है। आपने सिंपली करना ये है कि रोज़ रात को 7 डेज तक आपने ये दोनों चीज़ें करनी है सोने से पहले। आप पहले एक्सफोलिएट करें 3-3 मिनट तक अपने नकल्स के ऊपर या ओवरऑल अपने हाथों पे, अगर आपके हाथों के ऊपर सन टैन है या बहुत ज़्यादा डार्क है। और उसके बाद आपने फिर ये वाला जो मैंने आपको मास्क बताया है ग्लिसरीन का, इसको आपने अपने ओवरऑल हाथों पे, स्पेशली जो आपके टारगेटेड एरियाज़ हैं आपके नकल्स वगैरह, उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। लाइट लाइट उसको इस तरह से मसाज करना है और फिर आपने सो जाना है। आपने 7 डेज तक ये दोनों चीज़ें ज़रूर करनी हैं। और आप चाहें तो इसको कंटिन्यू रखें 1 महीने तक 2 महीने तक, इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा मैंने अपनी ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड की हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपने हाथों को ब्राइटन अप कर सकते हैं, ओवरऑल अपने पैरों को ब्राइटन अप कर सकते हैं। पेडिक्योर बताया है मैंने बहुत इफ़ेक्टिव, उसी वक्त आपको रिजल्ट नज़र आएगा घर में। वो दोनों वीडियोस के लिंक्स मैं लास्ट में दे दूंगी। चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस अपलोड करूं। और इंशाल्लाह 10 दिनों बाद 10 मुहर्रम के बाद मैं अपनी वीडियोस दोबारा कंटिन्यू करूँगी अपलोड करना। मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर ताकि इस तरह की और वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँ। ज़रूर ट्राई करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा, दुआओं में रखिएगा यार। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।